हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में खास क्या है, क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर ये टेबल हमने बनाया है। अब टेबल बनाया है हमने और मैं यूज भी कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019, लेकिन अभी इसमें कोई भी कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज मैंने नहीं किया। हम एक अलग से क्वेरी बनाएंगे और अलग से मैक्रो बनाएंगे और उस मैक्रो के थ्रू उस क्वेरी को ओपन करेंगे। कैसे पॉसिबल होगा आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेरी बनानी है तो टेबल तो बना हुआ है, क्वेरी बनाने के लिए हम कहां जाते थे, 2007 यूज करते थे तो क्रिएट पे जाते थे, फिर यहां से क्वेरी डिजाइन, ये आ गए क्वेरी डिजाइन पर और ये टेबल वन जो हमने लिया था उसको ले लेते हैं और फिर जो भी आपको चाहिए वो ले लीजिए, रिक्वायर्ड फील्ड जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। यहां से ले लिया हमने, तीनों फील्ड ले लिया हमने, आईडी को छोड़ दिया। यहां पर हमको टोटल करना है, टोटल तो यहां पर लिखता हूं मैं टोटल कुछ इस तरीके से। यहां पे लगाना है कोलन, कोलन लगाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और यहां पर लिखिए प्राइस, PRICE प्राइस लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय यूनिट करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय यूनिट, तो ये कर दिया हमने। और ये करने के बाद यहां से इसको रन करवाना है, रन करवा दिया। अब देख सकते हैं यहां पर ये क्वेरी बन गई है और ये क्वेरी वन नाम आ रहा है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं क्वेरी वन के ही नाम से इसको सेव कर देता हूं। तो ये क्वेरी बना लिया हमने, लेकिन मैक्रो, इस क्वेरी को ओपन करने के लिए हमें मैक्रो बनाना है, ठीक है। तो पहले तो इस क्वेरी को ऑफ कर देते हैं और टेबल को भी ऑफ कर देते हैं। अब हमें मैक्रो बनाना है तो क्रिएट पे जाएंगे और यहां से जाएंगे मैक्रो पर, ये मैक्रो दिख रहा है, यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। जब यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां एक ड्रॉप डाउन नजर आएगी, तो बस इस ड्रॉप डाउन पे जाइएगा और थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यहां पर आपको मिलेगा ओपन क्वेरी, देख रहे हैं ये मिल रहा है ओपन क्वेरी, तो बस इस ओपन क्वेरी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां कुछ इस तरीके का सिनेरियो आएगा, यहां पर जाकर के और क्वेरी वन ही नाम है ना, देखिए साइड में क्या भी हुआ है, क्वेरी वन ही नाम है, तो क्वेरी वन हमें ले लेना है, ये ले लिया हमने क्वेरी वन। क्वेरी वन को लेने के बाद क्या करना है आपको, सीधा रन पे क्लिक करना है, ये जो रन दिख रहा है ना इस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये कहेगा कि पहले मैक्रो को सेव कीजिए, तो सेव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्रो वन के ही नाम से सेव कर लेते हैं। तो जैसे ही मैक्रो चला, रन हुआ मैक्रो, तो क्या खुल करके आया आपके सामने, खुल करके आया है क्वेरी, ठीक है। तो मैक्रो एक हमने क्रिएट किया जिसकी मदद से हम इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो क्वेरी हमने बनाया और ये जो टेबल हमने बनाई है, फिलहाल हमने इसके लिए मैक्रो भी बनाया है, जब भी इस क्वेरी को ओपन करना होगा तो मैक्रो को रन करा देंगे। देखिए यहां पर फिर मैं इसको रन करवा रहा हूं, मैक्रो डिजाइन पे गए और यहां पे क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक किया तो ये रन हो गया, ठीक है। तो ये मैक्रो को रन कराने के लिए, मैक्रो को रन कराने के लिए हमने बनाया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब यहां से क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाकर के हमें क्या करना है, क्रिएट पे जाकर के एक फॉर्म बनाना है, तो यहां से नेविगेशन फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। यही सारे फील्ड्स हमें चाहिए होंगे तो इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं और यहां से मैं यहां पे कर देता हूं फॉर्म, फॉर्म इसको नाम दे देता हूं, फॉर्म क्वेरी वन आ रहा था तो इसको फॉर्म नाम दे दिया, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, यहां से इसको छोटा कर लेते हैं, ये छोटा कर लिया, ओके। अब छोटा करने का यहाँ पे एक बटन बनाना है, बटन, तो बटन का यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से इसको ड्रैग करवा लेते हैं, बटन बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पे मिसलेनियस पे आते हैं और ये दिया हुआ है रन मैक्रो, रन मैक्रो करेंगे, रन क्वेरी नहीं, रन मैक्रो, यानी मैक्रो को रन कराने का हम बटन बना रहे हैं और यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक रखना है, ये जो टेक्स्ट है ना इस पे क्लिक रखेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास एक बटन भी आ गया है, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा बैकग्राउंड बदल लेते हैं, बैकग्राउंड का कलर ये रख लेते हैं और यहां से सबको सेलेक्ट करके और इसको थोड़ा सा कर देंगे ब्लैक, ठीक है। तो ये यहां पे जाकर के इसको ब्लैक कर दिया मैंने और यहां से अब व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रन मैक्रो पे क्लिक करूंगा तो ये मैक्रो जो हमने बनाया था, जो रन हुआ था मैक्रो, वो वाली क्वेरी ओपन हो जाती है, देख रहे हैं, यानी कि एक बटन क्रिएट किया मैक्रो को रन कराने के लिए, देख सकते हैं आप। फॉर्म पे हम जाएंगे तो ये रन मैक्रो का बटन है, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो वो हमारी क्वेरी ओपन हो जाती है जिसके लिए हमने मैक्रो क्रिएट किया था। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसके लिए आगे नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।